स्टार्ट करें। पहला, इसमें पहले बता देते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवे के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारवा नंबर। बारह नंबर ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। पहला, सेक्शन 625 ऑफ आरपीए एक्ट 1951। अगर कोई अंडर ट्रायल है तो क्या वो वोट दे सकता है? क्या अगर किसी को सजा मिल गई है और वो जेल में है तो क्या वोट दे सकता है? क्या अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल भेजा गया है तो क्या वो वोट दे सकता है? दे सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है वो है, यही सेक्शन 625 कहता है। न्यूज में इसलिए है कि कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि जो अंडर ट्रायल है जिनको सजा मिली नहीं है, इट्स अ फॉल्ट ऑफ द कोर्ट, न कि उस विक्टिम का, और आप उसके मताधिकार से वंचित कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, आपका वोटिंग राइट्स लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? यूपीएससी ने क्या माना है? यूपीएससी ने क्या माना है? संवैधानिक माना है। 2016-17 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी ने क्या माना है? आंसर की में यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। एक बार वापस चेक करना, नहीं रखने ऑप्शन। अगर स्टेटमेंट के टर्म्स में पूछता है तब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई अंडर ट्रायल है या कोई जो जेल में है सजा काट रहा है, उन दोनों को इसके तहत वोटिंग का राइट नहीं है। परंतु अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आर्टिकल 2 कंफर्म के तहत है तो उसको वोटिंग राइट है। इतना लिख लो बस, लिख लो। भारत में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, अंडर ट्रायल तथा जो व्यक्ति सजा काट रहा है उसको मत का अधिकार नहीं, परंतु प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मत का अधिकार है। मत का अधिकार है। नोटा किसके तहत बैन है? नोटा किसके तहत आया है? आरपीए एक्ट के तहत। सर्च करना फिर बताना।
नेक्स्ट, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, सुमित पीछे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बोर्ड, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत ये कंस्टिट्यूएंट बोर्ड है जो इसको टेक्निकल एडवाइस देता है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इससे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यह केमिकल के तहत है, ये दोनों हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत। लिखो, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत वैधानिक संस्था, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत वैधानिक संस्था जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को तकनीकी सहायता सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इस संस्था का गठन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उपरोक्त सबसे ऊपर वाली, वैसे इसका भी दोनों का इसी में, संस्था का गठन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत हुआ है। नेक्स्ट, ऑलिव रिडले पढ़ रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं खाली, इधर आ जाए, बैक हटा दूंगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑलिव रिडले तुमने पढ़ रखा है, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑलिव रिडले टर्टल मुख्यतः शाकाहारी कछुए हैं जो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में मिलते हैं। सेकंड, ऑलिव रिडले टर्टल भारत में केवल पूर्वी तट पर आते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? दोनों गलत है, ये मुख्यतः मांसाहारी कार्निवोरस। नेक्स्ट, उसमें नाम नहीं है, वो भी गलत है। नेक्स्ट, तुम्हें यहां शीट में खाली मैपिंग के पर्पस से दिया होगा मैंने, ऋषिकुल्या बीच, उड़ीसा, धर्मा बीच या धामरा, धर्म
धर्मा भी बोलते हैं, कई लोग धामरा भी बोलते हैं। धामरा ये रिवर भी है और पोर्ट भी है, उड़ीसा। देवी रिवर, कई लोग इसको देवी बोलते हैं, देवी नदी, उड़ीसा, ये भी उड़ीसा। गहीर अष्टारंगा बीच, उड़ीसा। गहीर माथा, उड़ीसा। होप द्वीप आंध्र प्रदेश में, जहां कोरिंगा वन्य जीव क्षेत्र है, तुम्हें मैपिंग पर्पज से याद रखना है। रुसुकुल्ला उड़ीसा, धर्मा नदी भी है, धर्मा बीच भी है, धर्मा पोर्ट भी है, बंदरगाह, ये दोनों है, धर्मा नदी और बंदरगाह, दोनों उड़ीसा। देवी नदी उड़ीसा, अष्टारंगा बीच उड़ीसा, गहिर माता उड़ीसा, होप द्वीप आंध्र प्रदेश, और होप द्वीप सिचुएटेड कहां? कोरिंगा। रुसुकुल्ला रिवरी भी, रिवरी है वो, रुसुकुल्ला बीच भी है, रुसुकुल्ला रिवरी ही है। ये हमने पढ़ रखा है, रिवाइज आया, इसलिए मैंने लिख दिया है। फ्लाईवे क्या है? फ्लाईवे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी जो पक्षी हैं उनके रूट्स हैं। भारत ने एक रूट के लिए अपने योजना लेके आया है, वो कौन सा रूट है? सेंट्रल आशियान फ्लाईवे। भारत एक्चुअल में तीन फ्लाईवे हैं, उनके मार्ग का रास्ता है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है एक, एक अफ्रीकन फ्लाईवे है, और एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। हमने सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की योजना पढ़ी है, भारत जो लेके आया है, 5 वर्षीय है, 2023 तक है ना, 18 से 2023। एक काम करना, 2 या 3 दिन, 2 बार खुद रटकर, 3 बार रटकर, 2 या 3 जने बैठ जाना और काउंटर क्वेश्चन फायर करना एक के बाद एक, 2 दिन लेकर, क्योंकि रट्टा मारना है। और ऐसे रट लिया है तुमने 3-4 बार, अब रटने का तरीका है कि 2 जने बैठो, या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं, काउंटर फायर करो, काउंटर फायर करके क्वेश्चन करो याद, उससे ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा हमेशा। काउंटर फायरिंग करो, लिख लो, सेंड, मैं रूट लिखवा देता हूँ, वो नहीं लिखवाया कौन कौन से रूट है। टोटल विश्व में कितने रूट्स हैं फ्लाईवे? कभी 9 है, कभी इसकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे कभी 9 लिखता है, कभी कहीं जगह 8 लिखा हुआ है, ऐसे हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की जिस पे देखा वेबसाइट पे, उसमें 8 लिखे हुए हैं, और कहीं एक जगह और पढ़ा है तो वहां 9 लिखे हुए हैं, तो 8 या 9 है। एग्जैक्ट पीपल्स नहीं पूछेगा, तुम्हें याद रखना 3 जो भारत से होकर गुजरते हैं। और ये न्यूज में इसलिए है कि 3 पक्षी जो इस फ्लाईवे से गुजरते हैं, उनको हाल ही में पहली बार अंडमान निकोबार में देखा गया, इस कारण ये फ्लाईवे न्यूज में था। देखो, फ्लाईवे ये अंतरराष्ट्रीय पक्षियों के प्रवासी रास्ते हैं, प्रवासी रास्ते हैं, और हाल ही में पहली बार अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जावा पौंड हेरॉन, जावा पौंड, पी ओ एन डी पौंड,
हेरोन, एच ई आर ओ एन, हेरोन, कोमा, हाउसफील्ड, एच ओ यू, हॉर्सफील्ड, एच ओ आर एस एफ आई ई एल डी, हॉर्सफील्ड, एच ओ आर एस एफ आई ई एल डी, हॉर्सफील्ड, ब्रांच, बी आर ओ एन जे डी, ब्रांच, चुकू, बी आर ओ एन जे डी, ब्रांच, चुकू, सी यू सी के डबल ओ, सी यू सी के डबल ओ, चुकू, प्रवासी पक्षी, कुकू, प्रवासी पक्षी देखे गए हैं। भारत तीन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाईवेज, तीन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाईवेज, एफ एल वाई डब्ल्यू ए वाई एस, फ्लाईवेज का रास्ता है। पहला सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेकंड ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। नेक्स्ट आशियान ईस्ट अफ्रीकन, आशियान ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। सेंट्रल आशियान का फ्लाईवे का मतलब है कि सेंट्रल एशिया से इंडिया होते हुए साउथ, ईस्ट आशियान ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे मतलब ऑस्ट्रेलिया से होते हुए यहां से होते हुए पूरा ईस्ट का तक मतलब यहां इंडिया तक, आशियान ईस्ट अफ्रीकन मतलब अफ्रीका से होते हुए एशिया तक, इस तरह के रूट्स हैं प्रवासी पक्षियों के। इन तीनों का रास्ता जो है भारत से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए ट्रीटी कौन सी है? सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज बोन, जिसका 2020 में सम्मेलन कहाँ होगा? इंडिया में। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में लिखवाया हुआ है। बोन जो है एक ढांचागत अभिसमय है कि केवल एक ही अभिसमय है? ढांचागत है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जिसके तहत फिर अलग अलग रीजनल क्या है, सम्मेलन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पांचवा नंबर, मैं इसका स्टोरी समझा देता हूं पूरा, फिर मैं लिखवा दूंगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। एक्चुअल में बीज हैं, ये बीज हिस्टोरिकली अगर देखो तो फार्मर्स कल्टीवेट करके आए, ब्रीड कर रहे हैं उनको, वही फार्मर्स वापस पुनः यूज करते हैं। बट 1950s के बाद जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी विकसित हुई है, उसके बाद कंपनियां खुद अपने बीज ब्रीड करवाती है, मतलब हाइब्रिड करवाती है, और वह उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा उस पर अपना अधिकार जताती है। अब ये जो वैरायटीज हैं तो यह है, इनमें आईपीआर के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। जो हाइब्रिड वैरायटीज है, हाइब्रिड वैरायटीज, अभी क्या हुआ है कि पेप्सी का के द्वारा जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग किया हुआ एक आलू का बीज है, जिसको उसने हाइब्रिड के द्वारा, संकर के द्वारा, जिसको संकर बीज बोलते हैं, के द्वारा बनाया, और वह केवल
पेप्सी फार्मर्स को देती है, फार्मर्स को खाली उगाने का अधिकार देती है, उसका कमर्शियल राइट जो है पेप्सी के पास। पेप्सी की अनुमति के बिना वो बीज आप कमर्शियल तौर पर नहीं उगा सकते। अब पूरे विश्व में जब आईपीआर आया तो जो इस तरह के बीज हैं और जो कंपनियां इस तरह के अनुसंधान करवा रही है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है देशों ने अपने यहां कानून लेके आए। विश्व में जो ब्रीडिंग सीड्स हैं जो है रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं उसके लिए जो है एक समझौता आया था जिसका नाम नीचे लिखा होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स UPOV, यह आया था। और विश्व के बहुत से देश हैं जो प्लांट की वैरायटीज हैं, बीज हैं, वो अपने कानूनों को इस कानून के समकक्ष बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक अंतरराष्ट्रीय क्या रहे, स्टैंडर्ड रहे। भारत का जो कानून है वो भी कुछ हद तक इस कानून के तहत है, पूरी तरह नहीं है। और ये जो UPOV है, ये कन्वेंशन भी है, भारत इसका सिग्नेटरी और मेंबर नहीं, क्योंकि भारत ने फार्मर्स को बहुत ज्यादा राइट्स दे रखे हैं और कंपनियों के आईपीआर को वो इतना प्रोटेक्ट नहीं करता है। परंतु जब WTO आया तो WTO के तहत आईपीआर का प्रोविजन है, तो WTO में शामिल होने के लिए और जो कमर्शियल वैरायटीज हैं, जो कंपनियों की वैरायटीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट लेके आया था 2001 में, जो कंपनियों के द्वारा जो बीज बनाए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। परंतु साथ ही ये कहता है कि अगर कोई उसको उगाता है तो वह कमर्शियली जिस कंपनी का है उस कंपनी के अलावा किसी को और को बेच नहीं सकता, बट खुद के कंजम्पशन के लिए वो उगा सकता है। गुजरात में भी यह हुआ है कि कुछ फार्मर्स बॉडीज जो हैं या कुछ फार्मर्स जो हैं उन्होंने पेप्सी के इस बीज को उगाया था और पेप्सी ने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के द्वारा यह पता लगाया कि यह वैरायटी उसकी है जबकि फार्मर्स को उगा रहे। फार्मर्स ने तर्क दिया कि हम इसे कमर्शियली सेल नहीं करना चाहते, ये तो हमारे कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों राइट्स उल्लंघन। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कमर्शियल जो ये जिसका राइट है उसके अगर उल्लंघन करते हो तो आप उसको जेल भेज सकते हो। तो पेप्सी ने यही कदम उठाकर कोर्ट में उन फार्मर्स के खिलाफ मामला लेके गई है। और दूसरी तरफ फार्मर्स का तर्क है कि ये सेम एक्ट जो है इसका एक सेक्शन है वो ये कहता है कि आप खुद के कंजम्पशन के लिए उगा सकते हो, इस कारण ये न्यूज में है। इसी एक्ट के द्वारा हमने एक अथॉरिटी बनाई है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जो इस तरह के मामलों को क्या करता है, देखता है। अब इसी एक्ट के द्वारा एक हमने नेशनल जीन फंड क्रिएट किया है। जो भी अब जैसे कोई भी कंपनी है अगर उसका कोई बीज है तो उसको बीज को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्टर तो करवाएगी ना, रजिस्टर जब करवाएगी तो कुछ फी पे करेगी तो वो फी वगैरह जो है इस फंड में जाती है। तो यह क्या एक वैधानिक फंड है, स्टेट्यूटरी फंड है, जो इसी एक्ट के द्वारा है। अब इसी एक्ट के द्वारा नीचे वाला जो लिखा हुआ है प्लांट जीनोम सेवियर और कम्युनिटी अवार्ड बनाए गए हैं, मतलब जो फार्मर अपने कुछ बीजों को संरक्षण प्रदान करते हैं और उच्च वैरायटी के बीज बनाते हैं उनको प्रोत्साहन करना भी जरूरी है क्योंकि वो अपने बीज का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह क्या है, फंड है, जिसका पैसा कहां से आता है, नेशनल जीन फंड के द्वारा ही पैसा आता है। इन शॉर्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी स्टेट्यूटरी है, 2001 के एक्ट के तहत बनी है, जो आपके आईपीआर का बीज का उल्लंघन है उसके मामलों को देखती है। सेकंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, यह एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसके तहत जो नए बीज ब्रीडिंग वगैरह बन रहे हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है, भारत उसका सदस्य नहीं। परंतु देश कोशिश करते हैं कि वो इस कानून के तहत अपने स्थानीय कानूनों को बनाने की कोशिश करें। नेशनल जीन फंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत ही स्थापित फंड है।
स्थापित फंड है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह से जो आपका पैसा आता है वो यहां जाता है, और इनिशियली भारत सरकार ने कुछ पैसा भी इसमें दिया है। ये फंड भी इसलिए न्यूज में है कि फार्मर्स कह रहे हैं कि अगर उनको केस फाइट करना है तो वो उस केस फाइट करने के लिए सरकार इस फंड से क्या दे, पैसे से उनकी सहायता करे। बस इसी फंड से जो अच्छे किसान है जो बीजों का संरक्षण कर रहे हैं या नए नए बीज जो आपकी उत्पादकता तथा आपके जो है जैव विविधता इत्यादि को मेंटेन कर रहे हैं तथा ब्रीडिंग करवा के नए बीज बना रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या है, प्लांट जीनोम सेवियर और कम्युनिटी फंड। और ये फंड का पैसा आता कहां से है, नेशनल जीन फंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रैल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है तो इसी से है और किसी से नहीं। ठीक है, लिख लो उसको। पेप्सी खुद यूज मतलब किसान को देती है, वो किसान उसको उगाता है, उगाकर उसको किसान को वापस किसको देना है, पेप्सी को ही देना है। ये आलू की एक वैरायटी थी, लिखो। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। मैं स्टोरी नहीं लिखवा रहा हूं गुजरात वगैरह वाली, ठीक है। देखो इस पहले इसके बाद लिखो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। इस संस्था की स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज संस्था की स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। से हुई है। यह कानून मतलब एक्ट 2001 प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट के द्वारा हुई। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीवी एंड एफआर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट, पीपीवी एंड एफआर। इस कानून के तहत पौधों की विभिन्न प्रजातियों पौधों की विभिन्न प्रजातियों के लिए पौधों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रभावी तंत्र कोमा किसान वह प्लांट ब्रीडर मतलब जो बना रहा है किसान वह प्लांट PLANT प्लांट ब्रीडर BREEDER ब्रीडर के अधिकारों के संरक्षण तथा नए बीजों के विकास और जुताई डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन
कि विकास व जुताई के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई। अब यह आईपीआर का प्रोडक्शन करता है, अब यह आईपीआर का प्रोडक्शन करता है तो इसमें ड्यूअल राइट है। ड्यूअल राइट कैसे है? एक तो जो आपने प्लांट ब्रिड बनाया है तो एक तो वो आपकी क्या हो गई है, वो वैरायटी हो गई है। अब इस वैरायटी को विकसित करने वाला जो है, जिसको आपने असाइन किया है, उसके नाम पे क्या हो गया है? राइट हो गया है। मतलब एक तो उसी का राइट हो गया है, एक इसके पर राइट हो गया है, उस बीज पर। वो बीज किसका है? इसका है। तो ये ड्यूअल राइट का क्या है? आईपीआर है। और ये आईपीआर केवल कंपनी को नहीं, अगर कोई किसान भी बना रहा है, किसान हाइब्रिड से कोई बीज का निर्माण कर रहा है, तो वो भी इसके तहत अपना आईपीआर प्रोटेक्ट करवा सकता है, क्योंकि वो किसान के नाम पर है। और किसान अगर किसी को असाइन करता है, उसके आईपीआर अगर उसके प्रोटेक्टेड है, तो उस पर क्या ले सकता है? वो रॉयल्टी भी ले सकता है। ये इसलिए है कि किसान भी एंकरेज हो कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट करें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और नए नए बीजों की वैरायटी क्या हो? विकसित हो। बट नहीं पता होगा हमारी इंडियन जनता को, हमें भी आज पहली बार पता लग रहा होगा। देखो यह कानून दो बौद्धिक क्षमता अधिकार, दो बौद्धिक क्षमता अधिकार ब्रैकेट में आईपीआर, दो बौद्धिक क्षमता अधिकार प्रदान करता है, प्रदान करता है। पहला पौधे के प्रकार के लिए, तथा दूसरा ब्रीडर को, ब्रीडर को जो अधिकार दिए गए हैं। ब्रीडर मतलब जो बना रहा है, ब्रीड कर रहा है। नेक्स्ट स्टार लाइन लगा के लिखो, इस कानून के तहत जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो हेरिटेबल एंड असाइनेबल है। तो लिख लो फिर बता देता हूं, हेरिटेबल एंड असाइनेबल। हेरिटेबल एंड असाइनेबल है मतलब मैंने विकसित किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो नेक्स्ट पीढ़ी आए उसके पास वो रहे, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? अधिकार सौंप सकता हूं। मेरे पास है, मैं किसी और को भी असाइन कर सकता हूं कि यह है राइट्स तुम्हारा भी। वो क्या है? हेरिटेबल एंड असाइनेबल। वंशानुगत। असाइन मतलब किसी और को, हेरिटेबल मतलब वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट अपनी पीढ़ी का मतलब वही हो गया ना, वो असाइन का मतलब हो गया ना, वो असाइन हो गया ना, तभी तो दाम क्या दो हैं, हेरिटेबल असाइनेबल। असाइनेबल किसी को असाइन करो, हेरिटेबल मतलब वंश। नेक्स्ट लिखो, हाल ही में पेप्सी ने
इस कानून के सेक्शन 64 के तहत, सेक्शन 64 के तहत गुजरात के किसानों पर, गुजरात के किसानों पर कोर्ट में मामला दायर किया है। सेक्शन 64 के तहत कोर्ट में मामला दायर किया है। पेप्सी का कहना है कि किसानों ने आलू के एक प्रकार, FL 2027 या FCS, मतलब जो आलू का बीज है, जो ब्रीडिंग है, जो वैरायटी है, उसका नाम है FL 2027 या FCS। किसानों ने FL 2027 और FCS जो पेप्सी का IPR है, पेप्सी का IPR है, उसको उगाकर इस कानून का उल्लंघन किया है। और जो कंपनी का एकाधिकार है, मतलब कंपनी का क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है। नेक्स्ट, नेशनल जीन फंड, इस फंड की स्थापना, नेक्स्ट है नेशनल जीन फंड, नेशनल जीन फंड, इस फंड की स्थापना पीपीबी एंड एफआर, पीपीबी एंड एफआर एक्ट के तहत 2007 में की गई है। 2007 पीपीबी, मतलब जो कानून है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पीपीबी एंड एफआर के तहत 2007 में की गई। यह कोष स्वस्थाने इंस्टीट्यूट और परस्थाने स्वस्थाने और परस्थाने पर एकत्र किए हुए, स्वस्थाने और परस्थाने पर एकत्र किए हुए आनुवांशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेस, स्वस्थाने और परस्थाने पर एकत्र किए हुए आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, कंजर्वेशन के संरक्षण और संपोषणीय उपयोग संरक्षण
और संपोषणीय उपयोग को सहायता प्रदान करता है। इसी कोष के तहत दो हजार नौ दस में प्लांट जीनोम सेवियर और कम्युनिटी प्लांट जीनोम सेवियर और कम्युनिटी पुरस्कार की स्थापना की गई। इसके तहत अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण संवर्धन इंप्रूवमेंट के संरक्षण और संवर्धन में लगे व्यक्तियों या किसानों ब्रैकेट में लिखो मुख्यतः है ग्रामीण व आदिवासी लोग ब्रैकेट क्लोज को पुरस्कृत किया जाता है। इसके तहत दस लाख के पांच पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लो पीपीवी एंड एफआर कानून पीपीवी एंड एफआर कानून डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स कानून के आधार पर लाया गया है। जो किसान और वाणिज्यिक कमर्शियल दोनों ब्रीडर के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है
और भारतीय कानून इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट के कानूनों कानूनों का अनुपालन करता है परंतु भारत इस अंतर सरकारी समझौते का सदस्य नहीं है। यह समझौता में आया है जिसे 1991 में संशोधित किया गया। वापस बता देता हूं, पीपीवी एंड एफआर 2001 में आया है ट्रिप्स नियमों का अनुपालन करने के लिए। कमर्शियल और जो फार्मर्स हैं जो नई वैरायटीज बना रहे हैं दोनों को संरक्षण देता है। अभी न्यूज में है एफसीएस और FL2027 को लेकर, जहां पेप्सी ने कहा है कि किसान यह जो आलू की वैरायटी है जो उसके नाम पर दर्ज है उसको उगा कर इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए उनको वो कोर्ट लेके गई। तो यहां तुम्हें एफसीएस या FL2027 वो जानना है, वो आलू का एक वैरायटी है। यह कानून जो है इसी के तहत अथॉरिटी की भी स्थापना हुई है। और एक कानून का मंत्रालय कौन सा होगा या अथॉरिटी कहाँ होगी, नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? एग्रीकल्चर, यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत है क्योंकि अथॉरिटी है पूरा एग्रीकल्चर पर। इसी कानून के तहत नेशनल जीन फंड की स्थापना की गई। नेशनल जीन फंड जो है वो 2007 में क्रिएट हुआ है, जिसके तहत जो भी पर्टिकुलरली जो भी इस जीन फंड के तहत आप जो नई ब्रीडिंग आ रही है उनके संरक्षण संवर्धन के लिए सहायता देते हो। इसी जीन फंड के तहत आपका प्लांट जीनोम सेवियर और कमर्शियल क्या है, पुरस्कार है, जिसके तहत पर्टिकुलरली आप अवार्ड देते हो किसको, रूरल और ट्राइबल को, किसी कंपनी को नहीं, किसी कंपनी को नहीं देते हो। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल। सीधा ये भी पूछ सकता है, जैसे पिछले साल उसने पूछा था ना
GI Tech भारत में किस GI Act का जो कानून था उसने पूछा था किस अभिसमय या किस अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के तहत हम लेके आए, ये पूछा था ना पिछले साल। तो ये सीधा ये भी पूछ सकता है PPV and FR किस को अनुपालन करते हुए हम लेके आए, WTO TRIPS। अगर TRIPS नहीं होगा, अगर ये होगा UMOV तो उसको मार्क करोगे फिर, पर अगर दोनों होंगे तो TRIPS को मार्क करोगे, क्योंकि वो तो कन्वेंशन है, वो तो लोगों को करना था, पर जरूरी नहीं था ना बाइंडिंग है, पर TRIPS के तहत क्योंकि बाइंडिंग बना दिया तो आपने क्या कहे लेके आए वो कानून, पर आपने अपने कानून को समकक्ष बनाने की कोशिश की किसके तहत, UMOV के तहत। वो UMOV क्या है, अलग है, पर हमने जो कानून बनाया है किस लिए बनाया है, TRIPS के कारण बनाया है। अगर ये क्वेश्चन आता है और वहां WTO रहेगा तो मैं मार्क करना है WTO। जैसे पिछले साल जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसने नेशनल क्रिटिकल हैबिटेट का, नेशनल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वो अप्रैल में न्यूज में था और वो भी डाउन टू अर्थ में और कहीं नहीं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या है, मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया की नई दवाई जो किसने लॉन्च की है, मलावी, मॉस्क्यूरिक्स मलेरिया के लिए क्या है, दवाई है कि टीका है, वैक्सीन, मलेरिया के लिए टीका। मलेरिया के लिए टीका जो प्रायोगिक तौर पर मलावी मलेरिया के लिए टीका जो प्रायोगिक तौर पर मलावी ब्रैकेट में ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ब्रैकेट में पूर्वी अफ्रीका में लॉन्च किया गया है। ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एनहेंस करता है, उसको मार नहीं रहा है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर रहा है, मजबूत, केवल मलेरिया के लिए नहीं, हेपेटाइटिस बी के लिए भी, लिख लो। यह व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा तंत्र का संवर्धन कर उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, सातवां नंबर कहां पड़ा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष कहां पढ़ा है तुम लोगों ने, ईयरबुक पढ़ी है, ईयरबुक के क्वेश्चन दिए मैंने, क्वेश्चन कर लेना इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, हिंदी वाला हिंदी करेगा पर जो हिंदी में इंग्लिश भी जानता है वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी करेगा, क्योंकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन अलग है, मतलब बनाए हैं तो इंग्लिश में और बन गए हैं, और हिंदी वाले क्वेश्चन भी कम से कम 200 हैं, 100 या 150 के आसपास है वो क्वेश्चन, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी है उनके पेज ज्यादा होंगे, 200-250 होंगे, 3 आ गए पार्ट वो,
तीन पार्ट आए, यह कहां पड़ा है, मंत्रालय कौन सा है, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, आईपीएफ जो हाल ही में न्यूज में था कौन से मंत्रालय के तहत है, ए कॉमर्स मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी होम मिनिस्ट्री। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, कोई निवेश करता है ना, देखो इसको सोचने का तरीका, कुछ नहीं आ रहा तो सोचने के तरीके से होगा, और वो अगर निवेश कर रहा है तो उसके निवेश को आप संरक्षण कैसे दोगे, अगर कुछ भी होता है तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, उसको कैसे भरोसा दिलाओगे कि आपका जो पैसा है इस सेक्टर में सुरक्षित है। काम किसका है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखो, वैसे तो ट्रेडिशनल है, न्यूज में था अभी। ये फंड भी है और इसके लिए एक अथॉरिटी भी है, और दोनों की स्थापना कौन से कानून के तहत हुई है? अगर कॉर्पोरेट बोल दिया तो कॉर्पोरेट मंत्रालय का मुख्य कानून कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। इस फंड की स्थापना और इस फंड के लिए अधिकरण की स्थापना, दोनों की स्थापना कहां हुई है, कंपनी एक्ट 2013 लिखो। आईपीईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुई है। इसी के तहत आईईपीएफ अथॉरिटी, आईईपीएफ अथॉरिटी मतलब अधिकरण की स्थापना हुई है, जिसका कार्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन कोमा अवेयरनेस, जागरूकता शिक्षा व संरक्षण है, प्रोटेक्शन, जागरूकता शिक्षा व संरक्षण है। इसका सीईओ कॉर्पोरेट मंत्रालय, इसका सीईओ कॉर्पोरेट मंत्रालय का संयुक्त सचिव होता है, जॉइंट सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट मंत्रालय का संयुक्त सचिव होता है। कंपनी एक्ट 2013, एनसीएलटी की स्थापना किस कानून के तहत है, 2013 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना किस कानून के तहत है, इसी के तहत है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीसी कोड 2016, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दो हजार सत्रह में तुम्हें अगर याद हो तो सीए डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो सीए जो थे उनके कारनामे चर्चा में थे, और सीए को जो कंट्रोल करती अथॉरिटी उस पर इल्जाम लगा था कि वो सीए जो है अगर वो किसी जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन में इन्वॉल्व है तो वो उस पर एक्शन नहीं ले रही। तब आपकी एनएफआरए की स्थापना हुई थी ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2013 कानून में पहले से ही थी, बट उसकी अधिसूचना फिर बाद में जारी की गई थी। तो एनएफआरए जो है वो भी इसी कानून के तहत, लिख लो वहां साइड में, नेशनल
फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंपनी एक्ट 2013 के तहत। जितना पढ़ रहे हो रट्टा मार लेना। एक्चुअली तुम में से कई लोग टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं किए वो जेएमडी वाले के पास टेस्ट पड़े हैं, वो कर लेना। जो फोटोस्टेट है सब कुछ राम रघुबर गणेश कर दिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, उसके तहत है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी एंटिटी, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, रिवाइज करो। ये तुम्हारी कॉपी में मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया पूरा पढ़ाया था। रिविजन, नेक्स्ट क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड। न्यूज में इसलिए है, नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत जो आरबीआई का हिस्सा था वो आरबीआई ने अपना हिस्सा सब किसको बेच दिया है, गवर्नमेंट को। तो पूरी गवर्नमेंट ओन्ड हो गई है नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड के तहत भी जो गवर्नमेंट का हिस्सा था वो भी कहां चला गया है, सरकार के पास। तो आरबीआई की हिस्सेदारी अब नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में नहीं। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसके लिए क्या देती है, फंडिंग देती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है, रेजिडेक्स। रेजिडेक्स पिछले साल के सर्वे में था जिसका बेस ईयर चेंज हुआ था। नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1982 के तहत बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी है। लिख लो बस, दो एक लाइन लिख लो, नेशनल हाउसिंग बैंक बाय नाबार्ड में आरबीआई ने अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेच दी है। नेक्स्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना शहरी मंत्रालय के तहत 1987 में के कानून के तहत की गई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। मैं स्टाम करके लिख लो, एनएचबी के द्वारा, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेजिडेक्स सूचकांक प्रकाशित किया जाता है।
किया जाता है। अभी जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मैं जो काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। दो लोग बैठोगे या फायरिंग करोगे और रिकॉल होगा। मैं चाहूं तो अभी काउंटर फायर कर सकता हूं, बट तुम्हें फिर नहीं आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाएगा। इसलिए दो जने बैठो और काउंटर फायर करो, उससे क्या होगा, तुम्हें याद होगा, तुम रिलेट कर पाओगे। रट्टा नहीं मारना है, यूपीएससी का कभी मकसद नहीं है रट्टा मारना, ये याद रखना। अगर पेपर का ऑप्शन देखोगे तो ये पता लग जाएगा रट्टा तुमसे नहीं मरवाना चाहता वो। और किसी भी पेपर में 10-15 क्वेश्चन टफ होंगे, वो छोड़ने के होते हैं, उसकी तैयारी एग्जाम की उस 15 क्वेश्चन से नहीं होती है। तो 85 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं, उससे होती है, पर 15 क्वेश्चन के चक्कर में हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और 85 भी नहीं करते हैं। इसलिए दो जने जिनकी ट्यूनिंग बैठेगी वही दो लोग काउंटर फायर करें और याद रहेगा वो। नेक्स्ट, इनसाइट मिशन किसका है? नासा का है। इसने हाल ही में खबर बता देता हूं, इनसाइट तुमने लिखा हुआ है, मार्स पर, मंगल पर अर्थक्वेक के जो है अवशेष देखे। मार्स जो है पृथ्वी की तरह जियोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। इसका मतलब मार्स पर, पृथ्वी पर जिस तरह प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स मूव करती है एस्थेनोस्फेयर पर, उस तरह की प्लेट्स नहीं है। बट उसने वहां क्वेक के अवशेष देखे, तो उसकी आंतरिक संरचना समझने में और वो क्या करेगी, हमें जानकार मिलेगी। तो मैं इतना याद रखना, मार्स पृथ्वी की तरह भौगोलिक तौर पर क्या नहीं है, एक्टिव नहीं। पृथ्वी की तरह वहां क्या नहीं है, प्लेट्स नहीं। चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह एक्टिव नहीं, वहां भी क्या नहीं है, प्लेट्स नहीं। लिखो इनसाइट तो हमने लिखा हुआ है, लिखो इनसाइट जो नासा का मिशन है, जो नासा का मिशन है उसके अनुसार मंगल ग्रह पर भी भूकंप आते हैं, परंतु वह पृथ्वी की तरह एक्टिव नहीं है और वहां चंद्रमा की भांति प्लेट्स भी नहीं, प्लेट्स भी नहीं है। चंद्रमा की तरह पृथ्वी की तरह प्लेट्स भी नहीं है। कैसे, सही तो बोल रहा था, चंद्रमा की तरह प्लेट्स नहीं है जैसा पृथ्वी पर है, सही तो बोला था, चंद्रमा की भांति प्लेट्स भी नहीं है जैसा पृथ्वी पर प्लेट्स हैं। चंद्रमा की भांति प्लेट्स भी नहीं है जैसे पृथ्वी पर प्लेट्स हैं। ये स्टाइल तुम्हें सीखनी है, कम शब्द में बहुत ज्यादा लिखना है। लिखवाने को अगर एक एक लाइन लिखवाऊं तो 3 लाइन चली जाएगी। नेक्स्ट, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मान लो क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट है मंजीरा वन्य जीव क्षेत्र। मान लो क्वेश्चन आ गया, तुम्हें तुक्का भी लगाना है, किसको सोचकर तुक्का लगाओगे? मंजीरा से तुम्हें क्या याद आना चाहिए? मंजीरा नदी याद आना चाहिए। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? मंजीरा या मंजरा भी बोलते हैं।
गोदावरी। और अगर मैं ऑप्शन दूं, मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस वन्य जीव क्षेत्र का हिस्सा है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी गुजरात। मंजिरा को याद रखकर, मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइक अलार एंटी टैंक मिसाइल और इग्ला एस, क्या यूपीएससी ने पूछा इसको? तू डाल ले डाल तो मैं पात पात। यूपीएससी मैं नहीं, ये न्यूज में इसलिए है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए इन दो मिसाइल को एक्वायर करना चाहती है। न्यूज में आया था ना अभी। स्पाइक एलआर एंटी टैंक मिसाइल कहां से एक्वायर करना है? इजराइल। इग्ला एस जो है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल है, किसके द्वारा? रशिया। यूपीएससी क्या पूछता मिसाइल में, ये या रेंज वगैरह? पहले लिखो स्पाइक अलार एंटी टैंक मिसाइल। पहले वाली मिसाइल के बारे में लिखवा रहा हूं, यह मिसाइल इज़राइल के द्वारा विकसित है जो पोर्टेबल है, मतलब कैरी कर सकते हो, जो पोर्टेबल है। और इसकी रेंज 4 किलोमीटर, इसकी रेंज 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, इग्ला एस रशिया के द्वारा विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये शॉर्ट फॉर्म लिया देते हैं ना, VSHORAD, वेरी शॉर्ट
ऐसा चो शॉर्ट से है, शॉर्ट, आर से रेंज, ए से एयर, डिफेंस, वी एस एच ओ आर ए डी, रशिया के द्वारा विकसित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कौन है एचडी ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक कारण हम ह्यूमन है, दूसरा हमारा मवेशी क्षेत्र भी है, क्योंकि जो दवाई हमारे यहां जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वही केमिकल्स कहां से आते हैं, लाइव स्टॉक से, तो लाइव स्टॉक भी आपका कारण बन रहा है। अब उस लाइव स्टॉक से हम एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सके, इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हमारे पुणे में स्थित जो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। उसने क्या किया है, ये जो एचडीना है ये मेमल है फिर भी अंडा देता है, परंतु इसका जो हैचिंग पीरियड है बहुत शॉर्ट होता है, मतलब वैसे अगर मुर्गी वगैरह का अंडा देखो बहुत लंबे काल तक रहता है, जब इसका अंडा बहुत ही कम, और जो इसका बच्चा है वह बड़ा होता है इससे पहले वो अपने माता के साथ बहुत ज्यादा रहता है और दूध जो है उस पर निर्भर करता है, माता के दूध पर, परंतु दूध के लिए जो इसकी माता होती है उसमें निप्पल्स नहीं होती है, तो दूध एकदम सुपरफिशियली सरफेस पे आता है, उसको फिर ये लेता है। पर अगर दूध बाहर आ रहा है सीधा डायरेक्टली मुंह में नहीं जा रहा है, तो इस चांसेस ज्यादा है कि यहां से इस दूध से बैक्टीरिया वगैरह इसके शरीर में एंटर कर जाए। परंतु इसके दूध में क्वालिटी होती है, कुछ प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को करके उसको नष्ट कर सकते हैं। उसी टेक्निक का यूज करके कि हम मवेशियों के लिए कैसे अलग से एंटीबॉडीज और एंटी जो बॉडीज हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बना सके, इसके लिए क्या चल रहा है एक्सपेरिमेंट। तो एचिडिना जो है मेमल है, जो न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गुयाना का है पप्पू न्यू गुयाना देखा है ना, न्यू गिनी, वहां पर मिलता है, केवल वहीं मिलता है, मेमल है, स्तनधारी है, वैसे स्तनधारी अंडे नहीं देते हैं, ये स्तनधारी फिर भी अंडा देता है, परंतु उसका हैचिंग पीरियड क्या है बहुत कम, हैचिंग मतलब अंडा दे दिया है उससे बाद जब निकलेगा वो पीरियड क्या है बहुत कम, और मुख्यतः दूध पर निर्भर करता है, परंतु इसके लिए माता जो दूध देती है उसके लिए क्या है निप्पल्स नहीं होती है, तो इसलिए दूध जब बाहर आता है तो अगर दूध लेगा तो उसमें चांसेस ज्यादा है बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, परंतु दूध में ही क्या रहता है एक प्रोटीन ऐसा रहता है जो उस बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर देगा नष्ट कर देगा। तुम्हें क्वेश्चन ये शायद जागरण में भी आया था, लिखो, अब तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है, लिखो एचडीना यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, NEW न्यू गिनी, GUINEA में मिलता है। नेक्स्ट, स्तनधारी है मेमल, परंतु अंडा देता है, वहां लिख लिया ना केवल ऑस्ट्रेलिया और गिनी, क्योंकि तुम एग्जाम में केवल से ही कंफ्यूज होगे और किससे कंफ्यूज नहीं होगे, केवल ऑस्ट्रेलिया और गिनी। नेक्स्ट, मतलब
सही है, केवल युग नहीं मिलता, गलत है। केवल सभी इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे रॉन्ग होगा, केवल का मतलब है कि तुम अटेंटिव हो जाओ, कि तुम्हें अब पूरा अपना नॉलेज लगा देना है, जो तुमने पढ़ा है वो वास्तविकता में सही है कि नहीं है। केवल का मतलब केवल और केवल अटेंटिवनेस है। कई लोग यह मत समझना कि केवल का मतलब तो पूरा ही गलत होता है, कई लोगों ने यह भी समझ लिया है। एक और दो केवल लिखता है वो, स्टेटमेंट तो रहता ही है केवल, और सभी तो वैसे ही रहता है यूपीएससी में। तो वो केवल का मतलब है खाली तुम्हें सोचना है कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो वास्तव में फुल प्रूफ है कि नहीं है। नेक्स्ट, एचडीना का अंडा जल्दी ही हैच हो जाता है। हैच मतलब अंडा से जल्दी क्या निकल जाता है, बच्चा निकल जाता है, जल्दी ही हैच हो जाता है, और बचपन में बच्चे पूरी तरह माता के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं, परंतु इनमें माता के शरीर पर निप्पल नहीं होता और शरीर पर गिरे दूध से ही बच्चे अपना पेट भरते हैं। परंतु यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति बच्चों को सुभेद्य वल्नरेबल बनाता है। परंतु एचडीना में एक प्रोटीन, एचडीना के दूध में एक प्रोटीन होता है जो विभिन्न बैक्टीरिया के कोशिका को खत्म करके इन्फेक्शन के स्रोतों को खत्म
कर सकता है। और वैज्ञानिक इसी का उपयोग कर नए एंटीबायोटिक्स के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना है, इचिडिना केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी निप्पल नहीं होता है, दूध में प्रोटीन होता है जो मेम्ब्रेन की कोशिकाओं को पंक्चर करेगा और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एस्परजिलस फंगी न्यूज में था। ये क्या है? ये फंगी है जो प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यह क्या है? आपका बायो रिमेडिएशन, जैव उपचार। लिखो, यह एक कवक है, यह एक कवक है जो पॉलिथीन व प्लास्टिक को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 239, 239 ए, 239 ए किस पर है? यूटी, पांडिचेरी, दिल्ली। कौन सा अमेंडमेंट? 239 ए ए 69, पांडिचेरी। जाकर लक्ष्मीकांत देखना है, न्यूज में है पांडिचेरी पर। अभी हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसमें उसने कहा है कि पांडिचेरी इज नॉट लाइक अ दिल्ली, और वहां का जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है, नहीं कि वहां के एलजी के पास। निर्णय आया था इस कारण ये चर्चा में। 239 ए, तो इसमें तुम्हें यहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हैं सारा चैप्टर पढ़ना है। अपनी बुक में तुम्हारे दिया होगा। नेक्स्ट, मेरा इंडिया, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मलेरिया पैरासाइट से फैलता है परजीवी, इसके एलिमिनेशन के लिए अभी मेरा इंडिया प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आप 2030 तक रिसर्च के द्वारा इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉमन सेंस से पता लगाना है। हाल ही में मेरा इंडिया प्रोग्राम चर्चा में था,
यह कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डी इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा चालू किया गया है। जिसका लक्ष्य विभिन्न साझेदारों के सहयोग से साझा शोध के द्वारा दो हजार तीस तक मलेरिया का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है, ट्रंप ने इस ट्रीटी को खारिज कर दिया है। यह आर्म्स ट्रीटी जो है, जो आपके कन्वेंशनल वेपन है उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना लगे, वो शांति भंग कर रहे हो या आतंकवादियों के हाथ में ना लगे, इसके लिए ट्रीटी आई है। ये ट्रीटी आई है 2013 में, लागू हुई है 2014 में। भारत इस ट्रीटी का हस्ताक्षर करता नहीं, और यूएसए ने भी अब इसका क्या किया है, विरोध। लिखो, यूएन के तत्वाधान में यह समझौता में आया है, परंतु लागू 2014 में। यह समझौता पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करता है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। और वर्तमान में यूएसए ने भी
अपने आप को इस समझौते से बाहर कर लिया। नेक्स्ट मेलामिन, मेलामिन एक न्यूज़ मिलती है चीन से, जो हम मिल्क और चॉकलेट इंपोर्ट करते हैं उसमें हमने बैन लगाया हुआ था, उस बैन को और एक्सटेंड कर दिया गया। मेलामिन एक कंपाउंड है जो दूध वगैरह मिलाया जाता है, क्यों उसको गाढ़ा बना देता है ताकि आपको लगता है उसमें क्या है, प्रोटीन ज्यादा है। और पता है तो बहुत साल पहले इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुई थी चाइना में। तो पूछ सकता है मेलामिन क्या है? देखो मेलामिन यह एक रासायनिक यौगिक है जो जो दूध में मिलाया जाता है। जो दूध में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देता है, और प्रोटीन बढ़ने का छलावा देता है, प्रोटीन बढ़ने का छलावा देता है। मतलब है नहीं फिर भी तुम्हें क्या दिखा रहा है, मतलब जब भी टेस्ट करोगे लगेगा क्या, प्रोटीन ज्यादा है। नेक्स्ट लिखो छलावा, अपेरेंट मतलब उसमें छलावा मतलब इंग्लिश में वर्ड अपेरेंट नहीं है, मैंने उसका भावानुवाद किया है। नेक्स्ट, विश्व में कौन सा समझौता है जो खाद्य पदार्थों में जो आप मिश्रण करते हो उसके लिए है, या खाद्य पदार्थ जो है खाने योग्य है कि नहीं है उसके लिए वो समझौता है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस का नाम सुना है, जो फाओ के तहत है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वो इसकी अनुमति नहीं देता। लिखो विश्व खाद्य संगठन WHO का है, या WHO के कोडेक्स पाओ ता WHO के कोडेक्स एलिमेंट्रियस ALIMETRIUS कोडेक्स एलिमेंट्रियस ब्रैकेट में खाद्य मानक आयोग फूड स्टैंडर्ड कमीशन कोडेक्स एलिमेंट्रियस ब्रैकेट में लिखो खाद्य मानक आयोग फूड स्टैंडर्ड कमीशन के द्वारा मेलामिन का उपयोग दूध में
नहीं किया जा सकता। तुम्हें याद रखना है कोडेस एलिमेंट्रियस जो है फाओ का नहीं, WHO का है, विश्व खाद्य मानक आयोग है जो डिसाइड करता है कि फूड में कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए। तो WHO ने ट्रांसफेट कहा है कि कितना होना चाहिए, वो भी किसके अकॉर्डिंग है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस के अकॉर्डिंग ही है। मेलामिन नहीं होना चाहिए, ये भी किसने कहा है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस, और खाने के लिए फाओ के स्टैंडर्ड भी है। तो फाओ भी मना करता है और WHO भी मना करता है। मेलामिन एक यौगिक है, नाइट्रोजन का कंपाउंड बढ़ा देगा। वैसे 3 या 7 साल पहले का करंट है ये। WHO फाओ का नहीं, फाओ का अलग से, फाओ के स्टैंडर्ड है, याद रखना कोडेक्स एलिमेंट्रियस WHO का है। दूध में है कुछ, तो दूध का आप जो चेक करते हो कि दूध अच्छा है कि नहीं है, तो आप प्रोटीन चेक करते हो। तो आप मेलामिन जब मिला दोगे आपको ये देगा कि प्रोटीन बहुत ज्यादा है, जबकि होता नहीं, तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, फेस ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सीड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखो ये रिपोर्ट SEEDS सीड्स, SEEDS सीड्स ब्रैकेट में सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। सीड्स एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है जो सामुदायिक विकास आपदा प्रबंधन पर्यावरणीय नियोजन इत्यादि क्षेत्रों में सरकारों उप सरकारों के प्रतिनिधि के तौर पर बिहाफ ऑफ के तौर पर शोध करती है। तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछेगा, इतना पूछा सीड्स क्या है, UNFCCC का सदस्य नहीं है, ना संडे से आया है, ना UN का सदस्य है, वॉलेंट्री है, बस इतना याद रखना। उप सरकार सेमी गवर्नमेंट्स, सोफिया ग्रेट स्पेक्ट्रोमीटर, हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा तत्व बना था,
हीलियम हाइड्राइड, बट इसके हमारे पास अवशेष नहीं है। इसी का पता सोफिया जो आपका टेलीस्कोप है उसके ऊपर एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, कौन सा? ग्रेट स्पेक्ट्रोमीटर, उसने खोजा है। इस कारण है चर्चा में, लिखो हमारे ब्रह्मांड का सबसे पहला कण हीलियम हाइड्राइड था। हीलियम हाइड्राइड आयन था, HeH+। जिसका पता हाल ही में सोफिया टेलीस्कोप पर स्थित ग्रेट स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेट स्पेक्ट्रोमीटर ने लगाया है। सोफिया नासा का टेलीस्कोप है। एक्चुअल में टेलीस्कोप नहीं है, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या है? ऑब्जर्वेटरी है। सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने यहां टेलीस्कोप लिखवा दिए। एज ए टेलीस्कोप है, ऑब्जर्वेटरी है, जो आपकी इंफ्रारेड वगैरह जो भी आती है इसको यह देखता है। वैसे ये क्या है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो यह है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करना, देखते रहना कि क्या हो रहा है। और कहां पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों? क्योंकि कोई भी आपकी गतिविधि नहीं है, कोई भी आपका मानसून वगैरह कोई भी गतिविधि वहां नहीं है। इसलिए अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलोगे तो क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। वहां लिख लो सोफिया एक स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है नासा के द्वारा। ठीक है, इसमें तुम्हें पीपीवी एंड एफआर बहुत ही अच्छे से याद रखना है। करंट अभी कंप्लीट हो चुका है, एक या दो जो होगा, खाली एक या दो अगर होगा तो मैं फेसबुक या जो द कोर का पेज है वहां पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा, आगे आने की जरूरत नहीं है। होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भी मैंने जो लिए हैं सारे जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। पीपीवी एंड एफआर इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि तैयारी सबकी अच्छी होगी 2 जून के लिए। एक चीज पर तो सबने काम कर लिया है, नॉलेज पर। एक अपने एग्जाम टेम्परामेंट पर काम करना। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट मींस कूल एंड काम रहना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट जिसका है, इसके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, वो एग्जाम निकाल लेगा। नॉलेज का गेम नहीं है ये एग्जाम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं